उत्तराखंड में लगातार कोरोना वायरस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रशासन ने व्यापारियों और रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का न प्रयोग होने पर अधिकारियों ने कार्यवाही करने की बात कही। बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा शुक्रवार को जिले के सभी अधिकारियों को लोगों से नियमों का पालन कराने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके चलते आज काशीपुर SDM द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक ली, जिसमें प्रशासन ने रेड क्रॉस सोसाइटी और व्यापार मंडल को लोगों से संबंध में बनाने की बात कही, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, उनका पालन और मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का जिम्मा सौंपा गया। SDM गौरव कुमार ने बताया कि यदि लोग चुने गए प्रतिनिधियों की बात को नहीं मानेंगे तो चालान कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। काशीपुर शहर में रेड क्रॉस और व्यापार मंडल के साथ एक बैठक हुई है। इस बैठक का उद्देश्य है कि कल एक जिले स्तर पर बैठक हुई थी, उसके क्रम में ये बैठक तहसील स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें बाजारों में सोशल डिस्टेंस और मास्क को इंश्योर कराने के लिए रेड क्रॉस और व्यापार मंडल को रखने का प्रावधान है। वो लोग इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे और यदि लोग नहीं मानते हैं फिर चालान करने का प्रावधान किया।